नमस्कार, सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव नियुक्त किया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। वे फिलहाल ब्रिटिश मीडिया के ऑपरेशन के लिए लंदन गई हैं। 47 वर्षीय प्रियंका 1999 से हर लोकसभा चुनाव में प्रचार करती रही है। वे भाई राहुल के लिए अमेठी में और माँ सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में रैलियाँ करती है। सरकार वित्त वर्ष को अप्रैल मार्च की बजाय जनवरी दिसंबर कर सकती है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी कोजेंसिस ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। अप्रैल से मार्च तक वित्त वर्ष की परंपरा 152 साल पुरानी है। ये 1867 से जारी है। विश्लेषकों का कहना है कि वित्त वर्ष में बदलाव होने से देश को फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। यहाँ उन्होंने सपा बसपा के साथ गठबंधन के संकेत दिए। राहुल ने कहा, अखिलेश मायावती से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने गठबंधन किया है, हम तीनों का लक्ष्य भाजपा को हराना है। हमारी विचारधारा में काफी समानता है, जहाँ जरूरत पड़ी हम मिलकर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए। मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को बारामूला में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जवानों ने बिननेर में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ठाणे के मुमरा से 4 और औरंगाबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एटीएस ने दावा किया है कि ये सभी बेंगलुरु के संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और आईएएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। मंगलवार देर रात 5 ठिकानों पर हुई छापेमारी में इनके कब्जे से एसिड, केमिकल पाउडर और धारदार हथियार मिले। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी विक्की कौशल स्टारर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को दर्शकों और क्रिटिक्स ने बेहद पसंद किया है। अब सुनने में आया है कि साउथ के मेकर्स को ये फिल्म बेहद पसंद आई है। उन्होंने इसका रीमेक बनाने का फैसला किया है। वे इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और मलयालम में बनाने पर विचार कर रहे हैं। चुनाव में ईवीएम की हैकिंग का मामला तूल पकड़ रहा है। सत्ता और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उन्होंने ईवीएम हैकिंग के लिए किसी से संपर्क नहीं किया। इस बीच अमेरिका में रह रहे भारतीय साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा के ईवीएम हैकिंग पर और दावे सामने आए हैं। शुजा ने कहा, हैदराबाद में मेरी टीम एक भाजपा नेता से मिली थी, हमने उसे ब्लैकमेल किया था, उसके बाद हमारे 11 साथी मारे गए। जापान की नाओमी ओसाका पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वीतोलिना को हराया। 4th वरीयता प्राप्त ओसाका ने 6th वरीयता खिलाड़ी स्वीतोलिना को 6-4 और 6-1 से हराया। इस जीत के साथ ही पिछले 25 साल में वे ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली जापानी महिला बन गई। इससे पहले किमिको डेट ने ऐसा किया था